please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी ब्रिटिश एयरवेज के स्टाफ पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए रोने लगी। केंद्र सरकार में तैनात आईएएस अधिकारी की पत्नी ने दावा किया कि उनके बेटे के रोने की वजह से उनके परिवार को लंदन एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज के विमान से उतार दिया गया। और अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में बताते हुए आईएएस अफसर एपी पाठक की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। हमें इतने गंदे तरीके से इन्होंने बाहर निकाला जैसे हम टेररिस्ट हैं। न्यूज 18 से बातचीत में आईएएस अफसर एपी पाठक ने बताया कि उनका परिवार ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से लंदन से बर्लिन जा रहा था, लेकिन विमान में बैठते ही उनका 3 साल का बेटा रोने लगा। काफी कोशिश के बाद भी उनके बेटे का रोना बंद नहीं हुआ। आरोप है कि इसके बाद ब्रिटिश एयरवेज के कर्मचारी उनके साथ बदसलूकी पर उतर आए और उनको विमान से उतार दिया। बड़ी मुश्किल से जाकर के हमने होटल लिया, हमारे फ्रेंड अगर वहाँ नहीं होता तो हम पता नहीं रात भर रोड पे ही रहते। लंदन में अपने परिवार के साथ हुई इस बदसलूकी की शिकायत उन्होंने उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से की, जिसकी शिकायत मिलने के बाद उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने डीजीसीए को इस मामले की जांच के बाद रिपोर्ट देने का आदेश दिया। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख ब्रिटिश एयरवेज ने भी जांच का भरोसा दिया और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। ब्रिटिश एयरवेज ने एक चिट्ठी भी जारी की जिसमें लिखा, इस तरह के आरोपों को हम गंभीरता से लेते, ऐसा व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने का भरोसा जताया। ब्रिटिश एयरवेज दे हैव टेकन दिस मैटर वेरी सीरियसली एंड दे हैव सेड दैट दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। पीड़ित दंपति ने आरोप लगाया कि विमान से उतारे जाने के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद ब्रिटिश एयरवेज के अधिकारियों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। दिल्ली के मोती नगर में मंगलवार शाम कार तोड़ने के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध कांवड़िए को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कांवड़िए की तस्वीर भी जारी की है। मोती नगर में हुए कांवड़िए कांड में गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राहुल है जो उत्तम नगर का रहने वाला है। इस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज खंगालनी पड़ी। बताया जा रहा है कि राहुल चोरी के एक मामले में भी शामिल रहा है। मंगलवार को कांवड़ियों ने सड़क से गुजर रही कार की हल्की टक्कर के बाद जमकर तोड़फोड़ की थी। मोतीनगर के कांवड़िया इंस्पर्शों के कांवड़िया इंसिडेंट का जो केस था उसमें हमने पहली अरेस्ट की है। यह शख्स जो है ये करीबन 26 साल का है, इसका नाम राहुल है। यह उत्तम नगर इलाके का रहने वाला है। यह कांवड़ लेने गया था और वापसी में यह इस ग्रुप के साथ था जिसमें जिन्होंने वारदात की थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ कांवड़िए बीच सड़क पर एक कार में तोड़फोड़ करने लगे। बताया जा रहा है कि कार सवार कांवड़ियों की टक्कर बाइक सवार कांवड़ियों से हो गई, जिसके बाद बाइक सवार कांवड़ियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार को घेर लिया और उस पर डंडे बरसाने लगे। खुद को घिरता देख कार सवार कांवड़ियों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन हमला कर रहे कांवड़िए कार को घेर कर तोड़फोड़ करते रहे। इस बीच एक कांवड़िए ने कार चला रहे आदमी को खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश भी की। इस दौरान सड़क पर खड़े लोग चुपचाप हंगामा देखते रहे। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन्होंने हालात को संभाल लिया। ओवरटेकिंग को लेकर के तात्कालिक एक बात हुई और बहुत जल्दी उसका शमन हुआ और वहां पर पूरी तरीके से अच्छी तरह से पूरे कांवड़ की जो यात्रा थी संपन्न हुई। पिछले कुछ दिनों में कांवड़ियों के हंगामे की ये तीसरी घटना है। इससे पहले दिल्ली में कांवड़ियों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई थी, जहां उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में एक कार में तोड़फोड़ करने के बाद उसे पलट दिया था। इसके अलावा यूपी के बुलंदशहर में भी कांवड़ियों ने पुलिस पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर के सामा में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके माता पिता तेज बहाव वाली नदी को पार करवाने लगे। दावा किया गया कि नदी पार करने का कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से इन लोगों को अपने बच्चों की जान जोखिम में डालनी पड़ी। साथ ही उफान पर बह रही नदी को पार करने के लिए लोगों ने अपनी जान का भी खतरा मोल लिया ताकि बच्चे स्कूल जा सके। छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर नदी पार कराई गई तो 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें नदी के पार ले जाया गया। इस तरह कई बच्चों ने जान जोखिम में डालकर नदी पार की। हमें डर भी बहुत लगता है, क्या पता कब गिर जाए पानी में। सांबा इलाके में ऐसे बच्चों की गिनती 100 से ज्यादा बताई गई जिन्हें रोज इसी तरह नदी को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। यही नहीं, इलाके के लोगों को अपनी जरूरत का सामान लेने और दूसरे कामों के लिए भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेस सांसद राज्यसभा में हंगामा करने लगे। कांग्रेस ने सदन में राफेल सौदे की जांच करवाए जाने और जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग की, जिसके लिए सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा।
demanding a JPC in the Rafale. No, I will see. I have demanded a JPC. Kalna Rajwardhan Singh Rathod. This house has to take it. लेकिन आनंद शर्मा की जेपीसी बनाने की मांग को सभापति ने नकार दिया। You don't want the house to run, tell me in one word. सभापति के इनकार के बाद कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उनकी मांग पर कोई जवाब नहीं मिला तो वो वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। हालांकि कांग्रेस सांसदों के शोर शराबे के बीच सभापति ने विधेयकों पर चर्चा जारी रखी और हंगामे के बीच ही दो विधेयक पास हो गए। एनसीआर में नदियों में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर एनजीटी ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने आदेश दिया है कि नदियों में जहरीले केमिकल पहुंचाने वाली फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। एनजीटी ने हिंडन, काली और कृष्णा नदियों में प्रदूषण फैलाने वाली 124 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। इनमें 30 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिन्हें पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के लिए 60 दिन का वक्त दिया है। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में हिंडन के किनारे कुल 69 इकाइयों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जिनमें 21 को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो गौतम बुद्ध नगर की कुल 32 औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई हो सकती है, जिनमें 8 को बंद करने का आदेश दिया गया है। लद्दाख की राजधानी लेह में बचाव दल के कुछ सदस्य एक मकान के अंदर पड़े मलबे को हटाने लगे। वहाँ बादल फटने की वजह से मकानों में मलबा भर गया, जबकि वहाँ के लोगों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद राहत और बचाव दल के सदस्य वहां के हालात सुधारने की कोशिश करने लगे। इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की कई टीमें राहत के काम में जुट गईं। साथ ही लेह की डिप्टी कमिश्नर एनवी लवासा भी मौके पर मौजूद रहीं और बचाव दल का साथ दिया। डेब्री हटानी है और रोड क्लियर करनी है, कुछ वाटर सप्लाई का है उसमें इमीडिएटली जैसे ही रोड क्लियर होगी टैंकर भेजेंगे। बादल फटने की वजह से पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी आए थे जो कई घरों में घुस गए थे। इस दौरान कई मकानों को काफी नुकसान पहुंचा तो एक गाड़ी मलबे में पूरी तरह फंसी नजर आई, जिसे बचाव दल की टीम ने क्रेन के सहारे बाहर निकाला। इस बीच कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे वहां जाम भी लग गया। इधर आए तो घर में सब डैमेज हो गया, खाना पीना का सामान भी खत्म हो गया, सब कुछ भी निकला, एक भी नहीं रहा, घर पूरा सत्यानाश हो गया जी। दावा है कि लोगों को राहत देने के लिए सुरक्षित इलाकों में कैंप बनाए गए हैं, साथ ही हालात सामान्य होने के बाद लोगों को सुरक्षित उनके मकानों में पहुंचाने का दावा भी किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरी के शक में भीड़ ने एक आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों को एक किसान के खेत में कुछ बदमाशों के होने की खबर लगी तो गांव के लोग वहां पहुंचे। मौके पर पहुंची भीड़ ने एक आदमी पर चोरी का आरोप लगाया, उसे पीटने लगे। लोगों ने न सिर्फ चोरी के शक में शख्स को पीटा बल्कि धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। तीन इंची के खेत में पानी चला रखा था, तीन लोग आए, मैंने उसको पकड़ा और दो जने मेल में मिल गए, एक ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है, फिर मैंने काटा और उन्होंने मुझे छोड़कर भाग गया। मैं गांव में, गांव का अपना ठेक कराया था, उन्होंने बताया, उन्होंने गांव में लोन प्लान किया कि गांव वहाँ बदमाश है। जंगल में किसी तरह की लूट भी करी तुम्हारे से इन्होंने? किसी तरह की लूट भी करी है? बदमाश के साथ तो ये जैसा गांव में पता लगे जाकर, और अभी 10 दिन पहले एक मार्क का था 22 तारीख किसान को सी 12 तो बदमाश तो गुस्सा है, मैं गांव वाले गुस्से में, काफ़ी लोग वहां से भाग लिया, सारा ही गांव भाग लिया और वो मार के अंदर गन्ने के खेत के पास जाकर के वहाँ पर एक व्यक्ति मरा पड़ा मिला था, जिसको पीट पीट कर गाँव वालों ने मार दिया था। तो मुजफ्फरनगर में चोरी के शक में पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। दरअसल गांव वालों को शक था और इसी आधार पर उन्होंने शख्स की बुरी तरह पिटाई की और इसके बाद इस शख्स की मौत हो गई। दरअसल गांव के कुछ लोगों को एक किसान के खेत में कुछ बदमाशों के होने की खबर लगी तो गांव के लोग वहां पर पहुंचे। मौके पर पहुंची भीड़ ने एक आदमी पर चोरी का आरोप लगाया, उसे पीटने लगे। लोगों ने न सिर्फ चोरी के शक में शख्स को पीटा बल्कि धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या भी कर दी और कई लोगों की इसमें पिटाई भी की गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब हुआ महज शक के आधार पर। शक के आधार पर एक शख्स की जान ले ली गई। गांव वालों ने ये सब किया। दरअसल किसान के खेत में एक बदमाश के होने की सूचना मिली थी। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। सिर्फ शक के आधार पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। निश्चित तौर पर इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो
कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपको शक है तो उसको हिरासत में लीजिए, पूछताछ करिए या फिर उसकी कंप्लेन करिए, लेकिन सीधे तौर पर कानून को अपने हाथ में लेकर इस युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हो उठा है और जो कई विपक्षी दल हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इसको लेकर प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए जिससे ऐसी चीजें दोबारा ना हो पाए। अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। कैबिनेट ने तीन तलाक बिल को तीन संशोधनों के साथ फिर हरी झंडी दे दी है। अब सरकार की कोशिश इसे राज्यसभा में मंजूरी दिलाने की है, जो उसके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश राज्यसभा से तीन तलाक बिल को पास कराने की रहेगी। सदन में तीन तलाक बिल पेश करने से पहले मोदी कैबिनेट ने तीन संशोधन किए। इसमें अगर किसी मुस्लिम महिला को उसका पति तीन तलाक देता है तो न सिर्फ पीड़ित बल्कि उसके करीबी रिश्तेदार भी पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। बिल में तीन तलाक को गैर जमानती अपराध ही रखा गया है। हालांकि पीड़ित महिला को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को जमानत देने का अधिकार रहेगा। साथ ही नए संशोधन के तहत तीन तलाक के बाद अदालत में समझौते की गुंजाइश रहेगी, लेकिन इसके लिए पीड़ित और आरोपी दोनों की रजामंदी जरूरी होगी। पिछले सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीन तलाक बिल के स्वरूप को लेकर काफी तनातनी हुई थी, जिसके बाद ये बिल राज्यसभा में लटक गया था। हालांकि लोकसभा से बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ था, क्योंकि तीन तलाक बिल के कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष को आपत्ति थी। लिहाजा केंद्र सरकार ने इसमें तीन संशोधनों को मंजूरी दे दी। अब सरकार ने तीन तलाक बिल पर कांग्रेस से रुख साफ करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे, क्या अभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स से जैसे शाहबानों में हुआ था वैसे आज भी होगा? लेकिन तीन तलाक बिल पर कांग्रेस ने सरकार की नीयत में खोट बताया। बीजेपी की नीयत में खोट है, जमात का जो विश्वास है वो ना कभी था और आज वो विश्वास बिल्कुल डगमगा चुका है। सिर्फ जो ये हो रहा है राजनीतिक तौर पे किया जा रहा है। संसद का मॉनसून सत्र कामकाज के लिहाज से शानदार जरूर रहा, लेकिन तीन तलाक बिल पर अब भी ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार विपक्ष को साधने में सफल होगी।